सल्तनत मुगलिया जिसका जलाल और शान शौकत तारीख में हमेशा जिंदा और जावेदा रहेगा। इस सल्तनत के पाठ में फरमारवा शाहजहां को दुनिया की हर नेमत मैसर थी, लेकिन बादशाह के लिए सबसे बढ़कर चाहत और रफाकत उस हस्ती की थी जिससे वो शदीद मोहब्बत करता था, उसकी मलका मुमताज महल। शाहजहां और मलका मुमताज की मोहब्बत लाजवाब थी और अल्लाह ताला ने इस शाही जोड़े को औलाद की शक्ल में 13 बच्चों से नवाजा। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 4 बेटे और 3 बेटियां ही जाबर हो सकी। फिर भी किसी भी तरह के हालात उनकी मोहब्बत को कम ना कर सके। शाहजहां और मुमताज महल यकजान 2 कल्ब थे, यहाँ तक कि जंग व जदल के मौके पर भी एक दूसरे से जुदा ना हो सकते थे। और इसी दौरान मलका अपने 14वें बच्चे के लिए उम्मीद से थी, मगर अफसोस मुतवातर ज़चगियों की वजह से मलका इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी। हर मुमकिन सहूलत के बावजूद मलका और उनके बच्चे को कोई न बचा सका। चंद ही लम्हों में शाहजहां की दुनिया वीरान हो गई और जीते जागते उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई। कुछ महीनों के बाद जब शाहजहां मलका के सोग से निकला तो उसका जिस्म कमजोर और बाल सफेद हो चुके थे। शाहजहां ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी महबूब मलका को ज़चगी के दौरान ज्यादा खून बह जाने की वजह से मौत से बचा ना सकेगा। और इन्हीं गम के लम्हात में उसने फैसला किया कि वो मलका की याद में एक शानदार इमारत तामील करेगा जो रहती दुनिया तक उसके गम की तर्जुमा होगी। और यूं उसने मोहब्बत की लाजवाल इमारत तैयार करवाई, ताज महल। तक न होगी दास्तानों में क्या अजीब इत्तेफाक है कि मेरी माँ का नाम भी मुमताज था। उनकी और मेरे अब्बू की मोहब्बत शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत से कम न थी। मेरे वालिद गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते थे। जब उनकी शादी हुई तो उनकी माली हालत अच्छी न थी, उसके बावजूद वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे वालिद मेरी माँ के मशवरे के बगैर कुछ नहीं करते थे। उनके 8 बच्चे थे जिनमें से 5 हयात रहे और मैं उनमें सबसे छोटी हूँ। मैं सिर्फ 4 साल की थी जब मेरी माँ 9वें बच्चे को जन्म दे रही थी, मगर वो हो नहीं सका। उन दिनों में सिर्फ दाइयाँ होती थीं और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मगर एक हद तक आके उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या करें। हम उन्हें अस्पताल लेके जा रहे थे जो शहर में दूर था और वहाँ जाना आसान नहीं था। मेरी माँ ने रास्ते में एक लड़के को जन्म दिया, पर जब तक हम अस्पताल पहुँचे बहुत देर हो चुकी थी। उन दोनों में से कोई भी नहीं बच सका। मेरी माँ ज़चगी के दौरान ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वफ़ात पा गई। मेरे वालिद के पास शाहजहां जैसे वसाइल तो ना थे कि वो मेरी माँ के गम में डूब जाते और अपनी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाते। बल्कि इसके बरक्स उन्हें अपने बच्चों को पालने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी। आज हमारे पास हमारी माँ का कोई मज़ार तो नहीं, मगर हम एक तारीखी फैसले का फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे वालिद ने हमारे गांव में एक करिश्मा कर दिखाया। मैं एक जीती जागती तरबियत याफ्ता लेडी हेल्थ वर्कर। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो तमाम इख्तलाफात के बावजूद स्कूल गई और इसके अलावा इस पूरे इलाके में वाहिद और पहली लेडी हेल्थ वर्कर बनी। हम क्यों ना पेचीदगी ना ही होने दें। और देखा यह गया है कि इन ख़वातीन जिनमें ज़्यादा खून का अखराज या हाई ब्लड प्रेशर या देर से पैदाइश होना उन औरतों में है जिनमें बार बार हमल ठहरता है। बार बार हमल ठहरने से क्या होता है, औरत का जिस्म अभी तक अपनी नॉर्मल हालत पे यानी कि हमल से पहले की हालत में वापस नहीं आया होता कि उस पर दोबारा दूसरे हमल या बच्चे का बोझ पड़ जाता है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है और पेचीदगियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बच्चे ही पैदा ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि बच्चों की तादाद और वलादत का फ़ैसला मियाँ बीवी बाहमी मशवरे से माँ और पहले बच्चे की सेहत और अपने हालात को देखकर करें। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे माशरे में कि लोग समझते हैं कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं है इस चीज़ की। अगर हम इस्लामी तालीमात को देखें तो हमें ये इशारा मिलता है कि माँ को 2 साल तक बच्चे को अपना ही दूध पिलाने का हुक्म दिया गया है। ये तभी हो सकता है जब माँ अगले हमल में 2 साल तक एहतियात करे। मेरे वालिद लोगों की ज़रा परवाह नहीं करते थे कि वो क्या सोचते हैं। शाहजहाँ की तरह मज़ार बनाना तो दूर, मेरे वालिद ने बहुत मुश्किल से अपनी मुमताज़ की कब्र को सीमेंट कराया। वो ये चाहते थे कि आइंदा हमारे गाँव में कोई मुमताज़ और उसका बच्चा तिब्बी सहूलियात के ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में ना जाए, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिससे इंसानी जानें बच सकें। शायद अगर शाहजहाँ को 14 बच्चों की माँ की जिस्मानी हालत का ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो उसकी कहानी का अंजाम मुख्तलिफ होता। हम आज एक शहंशाह से भी ज़्यादा खुशनसीब और अमीर हैं कि हमारे पास इल्म, तहकीक और तरबियत का ऐसा ख़जाना है जो हमें मजबूत रखता है, यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी। लेकिन आज भी हर घंटे 2 औरतें जचकी की तकलीफ और मुश्किलात की वजह से वफात पा जाती हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी से हम इस शरह को 1/3% कम कर सकते हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के पैगाम को कौमी जिम्मेदारी समझते हुए फैलाने की ज़रूरत है ताकि हम हर मुमताज़ और शाहजहाँ तक पहुँच सकें और ये यकीन करें कि हम गम के बजाय उम्मीद और खुशी को फैलाएं।